मैं अभिषेक जी, आप यंग हैं हम सब लोगों में, और आप हम सब लोगों में सबसे ज्यादा मेहनत तो और सबसे ज्यादा पढ़ते लिखते आप भी हैं। एक दो चीजें, एक तो पहले मैं प्रोफेसर अखिल ने जो बात कही मैं उसके हिसाब से बता दूं, मैं और उसमें ऐड कर दूं। प्रोफेसर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत ही नहीं की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दी। तो पुलिस भी ये मान रही है कि जो लड़कियों ने कहा है, जो शिकायतकर्ता ने कहा है, वो सही है। तो एक एक स्टेज यहां तक आ गई, अब तो ट्रायल चलेगा वो अलग बात है। और ये भाई साहब बाहर घूम रहे हैं और ये किस तरह से लोगों को धमका रहे होंगे, और जैसा कहा जाता है कि रोज फोन करके किसी ना किसी को धमकाते ही रहते हैं, तो वो कितने विटनेस को प्रोटेक्शन मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो आपने गांधी जी की बात कही ना भाई साहब, गांधी जी को सिर्फ गाली नहीं दे रहे हैं, गांधी जी को बिना डिग्री वाला बताने वाला इस देश में राज्यपाल बना बैठा है, वो इस देश का राज्यपाल है। और हमारे आपके जो हम लोग जिनको सोशलिस्ट मानते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में आके वो लोहिया जी के जन्मदिन पे उनको कोई नहीं मिला है, लोहिया जी के जन्मदिन पे उनको मनोज सिन्हा जी आरएसएस क्यों मिलते हैं बुलाने के लिए कि लोहिया जी पे जरा आप भाषण दे दीजिए, चलिए। और वो सोशलिस्ट हैं, समाजवादियों के सबसे प्रखर वो हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबसे आगे वो रहते हैं, सबसे पहला झंडा वो लगाते हैं, और अगर अभी कहेंगे तो 20 अब शाम को 20 गालियां भी देंगे, चलिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे एक कोई दर्शक हैं, वो फाइनेंशियल टाइम्स का कह रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स का शाम को मैंने वो शो किया 8 बजे का, देख लीजिएगा, मैं उस पे लिंक दे दूंगा जब तक ये बैन नहीं होती, बैन होते ही वो लिंक को हटा लिया जाएगा और गलती मान ली जाएगी कि हमने गलती से वो लिंक दे दिया था आपके कहने से। मैं एक और अभिषेक जी इसलिए क्योंकि दर्शक ने भी कहा है और ये सारी चीजें रिलेटेड है, रोल ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो क्वेश्चन, जो फाइनेंशियल टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री, उसमें जुडिशरी का रोल भी क्वेश्चन किया गया है। ये बात मैं इसलिए ला रहा हूं कि आज एक अजीब सा एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का आज एक निर्णय आया है कि संजय मिश्रा साहब जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उनका थर्ड एक्सटेंशन वॉज इनवैलिड, उसमें कहा गया वॉज इनवैलिड, और लेकिन उनको 31 जुलाई तक काम करने दिया जाएगा। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। 19 नवंबर 2018 को संजय मिश्रा साहब 2 साल के टर्म के लिए ईडी के डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। 2020 में शायद 13 नवंबर को या 14 नवंबर को, खत्म होने से 3-4 दिन पहले, वो 2 साल के टर्म को 3 साल किया जाता है, पहला एक्सटेंशन। उसके अगेंस्ट लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही जज साहब जिन्होंने आज दिया ये भी उस बेंच में रहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, ये विद इन दी पावर से गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्सट्रीम केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में बढ़ा सकती है। 2020 तक आता है, ये 2021 तक हो जाते हैं, 2021 में सेकंड एक्सटेंशन मिलता है नवंबर तक, 2022 तक, और 2022 में रिटायरमेंट से एक दिन पहले फिर से इनको नवंबर में तीसरा एक्सटेंशन दिया जाता है। जो मैं बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको समझना है, दिसंबर 2022 में ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछती है कि भाई इनको आपने थर्ड एक्सटेंशन क्यों दिया, और 7 महीने लगाती है इस जजमेंट को पे आने पे कि इट इज एन इनवैलिड जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट इफ इट इज एन इनवैलिड अपॉइंटमेंट, उस इनवैलिड अपॉइंटी को वो 31 जुलाई तक कैसे फंक्शन करने दे रहे हैं? आप एक गलत व्यक्ति को जिसका अपॉइंटमेंट ही गलत है उसको 31 जुलाई तक कैसे करने दे रहे हैं? क्या इसलिए करने दे रहे हैं कि वो अपना सारा धो पोछ दे? आप अगले 20 दिन दे देंगे उस कुर्सी पे बैठेगा, सीबीआई के डायरेक्टर में रात में आपने रेड करके उसको निकाल बाहर किया था भाई वर्मा जी को। ये बड़े मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट की, हम ताली बजाने किस बात की ताली बजाएं? सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 महीने उसका इलीगल का 12 महीने में 8.5 महीने सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए और अब क्या रहा है कि इलीगल बड़ा बढ़िया ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इनवैलिड कर दिया। मैं थोड़ा इस पे भी आपका करूंगा कि ये जुडिशियरी इज क्वेश्चन, और हमारे यहां जुडिशरी जिस तरह से फंक्शन कर रही है, 370 पे आप बात कर रही है 4 साल बाद, ये 4 साल बाद बात करने का कोई औचित्य रह जाता है? मैं थोड़ा इस पे भी, क्योंकि आज जब आपके देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो एक बड़ा कारण उसको यहां लगता है कि यहां की जुडिशरी किस तरह से, उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में भी कहा गया है कि रोल ऑफ जुडिशरी इज क्वेश्चन। मैं थोड़ा इस पे भी और एक जनरल जो फॉक्सकॉन निकला है उस पे भी, अभिषेक जी दोनों चीजों पे आपकी टिप्पणी। आनंद वर्धन जी, आपने जो सवाल उठाया, वाकई सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती जाती है और है भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंट्री में। लेकिन जो जुडिशियरी वाली बात आप कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले एक चैनल पर मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, अपने ही चैनल पर कह दिया था
सतीश के सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि भाई एनडीए बन रहा है, 18 जुलाई को बैठक होने वाली है, 4 साल बाद लोगों को एनडीए की याद आई है, एनडीए सभी लोग भूल गए थे कि वाकई कोई एनडीए भी है बीजेपी के दौर में, तो कोई संयोजक भी बनेगा। तो मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि संयोजक तो वही बनता है जिसके पास हर क्षेत्रीय दलों में जिसकी ठीक ठाक पहुंच होती है, अच्छा खासा जिसके पास क्षेत्रीय दलों का मसाला होता है, और संजय मिश्रा जो ईडी चीफ है उनसे बेहतर संयोजक नहीं मिल सकता, मैंने कहा था उस वक्त, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दलों में उनकी जितनी पैठ है भारतीय राजनीति में संभवतः किसी की नहीं होगी, इतने एक्सटेंशन उन्हें मिले सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय दलों और विपक्षी दलों को तंग करने के लिए। 95% मामले ईडी के विपक्षी नेताओं के खिलाफ से आप देख रहे हैं, और एग्जीक्यूशन रेट कितनी कम है वो भी कहने की जरूरत नहीं है। तो ये हालात है ईडी के। लेकिन जिस प्रकार से जुडिशियरी ने ये कहा कि 31 जुलाई तक फंक्शन कर सकते हैं, जब मैंने सुना तो हमको भी काफी शॉकिंग लगा, ये दिया क्या है आखिर? एक चीफ मिनिस्टर जिसको कि हाईकोर्ट बहाल करता है अरुणाचल प्रदेश में, उस वक्त जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होता है वो सुसाइड कर लेता है, क्योंकि पुराने चीफ मिनिस्टर को हाईकोर्ट ने, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया था, और उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, नवाम टुकी शायद उनका नाम था, और जो फंक्शन कर रहे थे चीफ मिनिस्टर कलिखोपुल, जिन्होंने सुसाइड किया था, तो उस सरकार को बहाल कर दिया जाता है, वो उसी समय से लागू होता है। फिर ये 31 जुलाई तक बनाए रखने वाला तुक ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुखिया के मामले में क्यों है, ये समझ से परे है। दूसरी चीज, इतना एक्सटेंशन देने की बात, आखिर इस एक्सटेंशन के बावजूद कौन सा तीर मार लिया संजय मिश्रा ने? क्या इस देश में आईएएस अफसरों की इतनी कमी हो गई है? ईडी चीफ हम सभी जानते हैं कि वही अधिकारी बनते हैं जिनका कम से कम 28-30 सालों का अनुभव होता है, 30 सालों का अनुभव लिए, यानी आज 2023 में हम बैठे हैं, 2021 से एक्सटेंशन मिल रहा है, 2020 से मिल रहा है एक्सटेंशन, 2020 का मतलब हुआ कि 1990 से लेकर के उसके पहले के 85 से 90 के बीच के लोग क्या इतने नाकाबिल थे कि वो ईडी चीफ नहीं बन सकते थे? ये सारे सवाल है। आईएएस लॉबी भी कहीं ना कहीं से असंतुष्ट थी, लेकिन आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई के दिन 20 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना कि 31 जुलाई तक ये रिटायर हो, ये कहीं ना कहीं कुछ मामले ऐसे हैं जिनको रफा दफा करना है। तो एक तो ये ईडी वाली बात हो गई, और इसी तरह से केंद्रीय सारी जांच एजेंसियों को आप देखें, ईडी को देखें, इसके बाद आप सीबीआई की गतिविधियों को देख लें, इसी तरह से चल रहा है सब कुछ, कहीं एक्सटेंशन मिला हुआ है कहीं नहीं मिला हुआ है, लेकिन काम काज ऐसे ही चल रहा है। एक पूर्व डायरेक्टर का आपने नाम लिया, किस प्रकार से मामला सीबीआई में हुआ था वो सब छिपा हुआ नहीं है किसी से, और जो बातें एक पूर्व डायरेक्टर ने फोर्डर स्कैम के मामले में लिखी है अपनी किताब में वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो भी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अमुक व्यक्ति को फंसाया जाए, वो सारी चीजें कही गई है। लेकिन उन बातों से इतर यदि आप फॉक्सकॉन के मुद्दे पर आना चाहें तो देखिए, पूरी दुनिया चिप में समाने वाली है, यहाँ पर बयानी साहब मौजूद है जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो आज को देख कर नहीं लगती है, 10 साल बाद के हालात क्या होंगे, उसकी डिमांड कैसी होगी वो देख कर लगती है। सेमीकंडक्टर चिप की जहाँ तक बात है, आने वाले समय में इतने इफेक्टिव चिप सामने आने वाले हैं, और इस ढंग से दुनिया बदलती जा रही है कि खासकर सॉफ्टवेयर फील्ड में, जो इस देश में 37 लाख लोगों को अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर, यदि मेरा आंकड़ा सही है तो 37 लाख लोगों को भारत में इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रोजगार मिल रहा है, जो बाहर है, जो सिलिकॉन वैली में, इंडियन की बात छोड़ दीजिए, जो बेंगलोर, पुणे, NCR और हैदराबाद या दूसरे शहरों में है, उनमें से 90% से ज़्यादा आने वाले 5 सालों के बाद वर्क फ्रॉम होम मोड में जाने वाले हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी और चिप की कुशलता के ऊपर डिपेंड करता है। चिप का बाजार बहुत बड़ा होना है, डिफेंस में चिप की ज़रूरत है, व्हीकल्स में चिप की ज़रूरत है, हर फील्ड में अब आने वाले समय में चिप के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपको टोल देना हो चाहे कुछ करना हो, चिप की ज़रूरत है। तो जब दुनिया इस पर डिपेंडेंट होने जा रही है, और कोई बड़ी कंपनी जिसका नाम है पूरी दुनिया में, जिसका नाम है, वो इंडिया की एक ऐसी कंपनी का पार्टनर बन के आती है जिस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि उस कंपनी के बैलेंस शीट दुरुस्त नहीं है, कई सारे मामले उसके हैं, और मज़ेदार बात यह है कि वो कंपनी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है, और उस सब्सिडरी कंपनी को ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कुछ ऐसा ही नाम है शायद उसका, उस सब्सिडरी कंपनी को इस पूरी डील से $19.5 मिलियन की जो डील थी चिप मेकिंग की, उसका पूरा बिजनेस उसको सौंपने की तैयारी करती है।
ऐसे माहौल में कौन सा पार्टनर रुकेगा यहाँ पे? बाहर की कौन सी कंपनी आकर के यहाँ पर कारोबार करेगी इस तरह के माहौल में, जब उसके यहाँ के जो इंडिजिनस पार्टनर होंगे, बिजनेस पार्टनर, वो बिजनेस पार्टनर इतने बड़े गोरख धंधे में, इतनी बड़ी चीटिंग में लिप्त होंगे पहले दिन से ही कि डील कुछ और हो रही है, मानसिकता पीछे से कुछ और है। एक जमाने में मारुति और सुजुकी की डील हुई थी, मारुति सुजुकी दोनों मिल करके गुड़गांव में प्लांट लगा था, जनता कार खड़ी हो गई। बाद में धीरे धीरे सुजुकी की हिस्सेदारी बढ़ती गई, क्या हुआ, सरकारें भी गिरी उस पर, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उस समय जो डील हुई थी, जितने परसेंटेज पर डील हुई थी, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। तभी जा करके 1983 से लेकर 1997, यानी पहली कार जब मार्केट में आई तब से लेकर के 1997 तक यूं ही चलती रही, उसी परसेंटेज के साथ पार्टनरशिप चलती रही 14-15 सालों तक। उसके बाद जो हुआ वो अलग बात है। आज पहले दिन से, यानी कि कहावत है हम लोग के यहाँ कि तालाब में मछली है, और पहले लोग घर में ही अमुक पीस हम खाएंगे, अमुक हम खाएंगे, इस तरह की मारामारी शुरू हो गई। दूसरी चीज ये है कि महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट आ रहा था, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को चुनावी फायदे के लिए गुजरात में उठाकर ले जाया गया, ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि चुनाव गुजरात में प्रोजेक्ट लग रहा है, जो प्रोजेक्ट पहले से महाराष्ट्र में तय किया गया। तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में दिया ही क्यों गया, शुरू में ही गुजरात में दे देने में क्या दिक्कत थी? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं। बाहर का इन्वेस्टर आपके यहाँ किस प्रकार के राजनीतिक हालात हैं उस पर पैनी नज़र रखता है। अपोजिशन के साथ आप सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ना रह के दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं। आज तो पता नहीं कितनी पुष्ट खबर है, कितनी अपुष्ट, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि नई संसद भवन के छत से पानी टपक रहा है। मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन मुझे सुनने में आया। तो इस तरह के हालात जब इस देश में बने हुए हैं कि एक संसद भवन आप ढंग से नहीं बना सकते, तो इस तरह की कंपनी को, जो बाहर की इतनी बड़ी कंपनी है, ताइवानी कंपनी है, टेक्नोलॉजी पर एक तरह से यूएस का प्रतिनिधि है, प्रभुत्व है, और कई सारी कोशिशें चाइना ने की इसको, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के हायर क्वालिटी की चिप को, चिप मेकिंग प्रोसेस में चाइना अपना प्रभुत्व कायम कर सके, लेकिन अमेरिका उसने ये इजाजत नहीं दी। अंदर खाने बहुत सारी चीजें उसमें हुई, लेकिन आज की तारीख में भारत में कोई कंपनी पार्टनर बन के आ रही है और पहले दिन से चीटिंग की मानसिकता, तो वो वही मानसिकता है जो भारत का सत्ताधारी दल अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ करता है। शिवसेना के साथ जाओ, शिवसेना को तोड़ दो, जेडीयू के साथ जाओ, जेडीयू को तोड़ दो, चौटाला की पार्टी को तोड़ दो, जेडीएस को तोड़ो, यही खेल चल रहा है। और यही खेल यहाँ के कॉरपोरेट मौजूदा दौर में सत्ताधारियों से उन्होंने सीखा है, या सत्ताधारियों ने यहाँ के कॉरपोरेट से सीखा है, कौन किससे सीखा है हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन हो यही रहा है। तो इस माहौल में कोई नहीं आएगा। एनरॉन को आने के बाद भगाया गया, सलीम ग्रुप को, आपको याद होगा इतना बड़ा केमिकल हब लगना था नंदीग्राम में, सलीम ग्रुप का क्या हुआ, वो केमिकल हब कहाँ गया नंदीग्राम के बाद, सबको पता है। तो एक पूरी हिस्ट्री जिस देश में मौजूद हो कि डील होते होते खत्म हो जाती है, अच्छी वाली डील खत्म हो जाती है। यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाने के लिए अनिल अंबानी के साथ एक दौर में, संभवतः मुलायम सिंह यादव का दौर था, किस तरह से कि 1000 या 2000 या 5000 कितने मेगावाट की थी मुझे याद नहीं है, कि गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, वहां तक गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उससे बिजली बनेगी। पता नहीं इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ बाद के दौर में। तो जहां सरकारें बदलने के साथ सरकारों के कॉरपोरेट मित्र बदल जाते हैं, उस देश में प्रोजेक्ट को लेकर के बाहर की कोई कंपनी बहुत पक्के तौर पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के नहीं आ सकती, ये मेरा मानना जी। अब लास्ट अभिषेक जी, आपसे एक एक लाइन में जस्ट क्लोजिंग हो कि ये देश का अजीब सा, आपको नहीं लगता है कि वी आर ओनली ऑन ऑप्टिक्स, जिसको हिमांशु जी बहुत यूज करते हैं, सिर्फ मार्केटिंग कंपनी हम लोग बन के रह गए हैं, जो कंटेंट है या जो तत्व है वो बहुत कम है, एक लाइन में इसको, इसकी सुधार की जरूरत कितनी जल्दी होगा, ये जरा आपको क्या लगता है? 100 एयरपोर्ट की बात इस देश में हम सब सुन ही चुके हैं, 600 करोड़ वोटर की बात सुन ही चुके हैं, तो एक और सुन लेते हैं, चुनाव आएंगे तो भी कुछ और सुनने को मिलेंगे, अभी तो देखते जाइए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर उत्तर प्रदेश में हर साल इन्वेस्टर मीट होती है, क्या क्या होता है, कितने मिलियन बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन होते हैं, वो एमओयू जमीन पर उतरते हुए किसी ने देखे नहीं है। तो ये भी इसी टाइप का था, हालांकि फॉक्सकॉन जैसी कंपनी थी, क्रेडिबल कंपनी थी, तो लोगों को भरोसा था। भरोसा यहाँ टूटा है क्योंकि
उस बड़ी कंपनी को भी अपने हाथ पीछे खींचने पड़े हैं, वो भी पटना में कूड़ा बटोरने वाले, कुछ सालों पहले तक पटना में कूड़ा बटोरने और कूड़े का ठेका लेने वाले व्यक्ति जो इतना बड़ा खुद को एक कॉर्पोरेट जायंट बन गया, उसके साथ किसने पार्टनर बनाया, क्यों बनाया और कौन सी सरकार बीच में पड़कर पार्टनर बनवाई, ये सबके सबके लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ चिप वाला एक तरफ कूड़ा वाला, ये पार्टनरशिप कैसी है मुझे समझ नहीं आ रहा।